तो जनाब, रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त तेजी चल रही है और गुड़गांव में ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स की सप्लाई खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स का लॉन्च होना तो लाजमी था। तो पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। सभी डेवलपर्स ने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग वादे किए। तो ये जो वीडियो सीरीज है हमने शुरू की है, यही चेक करने के लिए कि किस डेवलपर का कितना वादा था और कितना पक्का इरादा है। तो आज हम आए हैं सेक्टर 76 में, यहाँ पे वाइट लैंड के सेक्टर 76 के प्रोजेक्ट पे आए हैं। यहाँ पे इनके दो प्रोजेक्ट्स हैं, वाइट लैंड एस्पन एंड वाइट लैंड ब्लिसविल। तो आज हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे और चेक करेंगे कि कितना वादा था और कितना पक्का इरादा है। तो यही सीरीज, यही वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा सो दैट यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दीज टू प्रोजेक्ट्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले आए। इसके अलावा रियल एस्टेट से जुड़ी हुई छोटी छोटी अपडेट्स जिनको हम वीडियोज़ में कवर नहीं कर सकते, उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसपे न्यूज़, एनालिसिस और ये छोटी छोटी रिपोर्ट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वाइट लैंड के इन दो प्रोजेक्ट्स की। आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी। लेट्स मूव फास्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी और अभी हम जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच गए हैं शॉप वाइट लैंड एस्पन की। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी, कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो है वो एक रिनाउंड इंडियन नेम है, शाहपुर जी पलौन जी, वो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दे आर देयर इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस सिंस 1865। आई थिंक शाहपुर जी पलौन जी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन फॉर दैट मैटर। तो अभी हम चलते हैं साइट पे। ये मेरे पीछे इनका एक छोटा सा सेफ्टी पार्क बना हुआ है जहाँ पे इन्होंने सारे इक्विपमेंट्स बनाए हुए दिखाए हुए, तो सारे कंप्लायंसेस बहुत अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट वेयर ऑल द एक्शन इज हैपनिंग। अभी मैं वाइट लैंड एस्पन के सेक्टर 1, क्लस्टर 1 या पॉकेट 1, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, उसके सामने खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे सेक्टर 1, क्लस्टर 1 है और यहाँ पे 4 टावर्स आनी है, 1, 2, 3, 4। तो इन चारों टावर का अभी जो काम है वो आप देखोगे कि लोअर बेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, अपर बेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, इसमें 3 बेसमेंट आएंगी, 2 नहीं 3, और उसके बाद में 3rd बेसमेंट का वहां पे काम चालू हो चुका है। तो ये टावर 1 और टावर 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो लोअर बेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अपर बेसमेंट का स्लैब डल चुका है और उसके बाद में 3rd जो बेसमेंट है उसका काम अभी चालू हो चुका है, वहां पे शटरिंग का काम चालू हो जाएगा, अभी यहाँ पे सरिये लगा चुके हैं। उसके बाद में ये टावर 4 तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो टावर 3 और टावर 4 का जो है वो लोअर बेसमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी का काम आगे आएगा। अभी लंच टाइम खत्म हुआ है तो आपको पीछे जो है ये बहुत सारी मैन पावर जाती हुई दिखाई देगी, तो मैन पावर भी काफी है, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन दैट इज हैपनिंग हियर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर और द नेक्स्ट क्लस्टर ऑफ वाइट लैंड एस्पन और वहां देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो अभी अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अभी हम खड़े हैं वाइट लैंड एस्पन के क्लस्टर 2 पे, जहां पे अभी जो टावर्स हैं वो है 5, 6, 7, 8। तो वो जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे आपको टावर दिखाई दे रही है, जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो टावर 5 और उसके राइट हैंड पे टावर 6 है। तो राफ्ट का दोनों का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर टावर 5 की बात करूं तो वहां पे अभी उसका जो जो
कॉलम्स का काम है वो अभी शुरू हुआ है, 6 का कॉलम्स का काम कंप्लीट हो चुका है, राफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, 7-8 की अगर मैं बात करूं तो उसकी राफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, कॉलम्स का काम कंप्लीट हो चुका है, 7 पे इस टाइम पे स्लैब डल रही है जो थर्ड बेसमेंट है, क्योंकि इसके अंदर 3 बेसमेंट होंगी, जो सबसे नीचे वाली बेसमेंट है थर्ड बेसमेंट है उसकी स्लैब का काम चालू है 7 का, और 8 का अभी जो है काम चालू हो रहा है। यहाँ पे इधर देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने मोल्डिंग कर दी है, सरियों की मोल्डिंग कर दी, इसके बाद में इसके अंदर RCC का काम शुरू हो जाएगा, तो कॉलम्स यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन स्टेज है अभी क्लस्टर 2 की वाइटलैंड एस्पन की। तो ये मेरे पीछे वो एरिया है जहाँ पे वाइटलैंड एस्पन की गैलरी थी, जहाँ पे वाइटलैंड की एक एक्सटेंशन आइकॉनिक टावर आएगी जो इनकी सिग्नेचर टावर है। तो यहाँ पे वो सुंदर सी गैलरी डेमोलिश हो चुकी है, ऑफकोर्स इट पेंस माय हार्ट, इतनी सुंदर चीज़ थी, इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग और ब्यूटीफुल चीज़ थी, उसको डेमोलिश किया है, बट यहाँ पे टावर बनानी है तो उसको डेमोलिश करना तो ज़रूरी था, तो वो डेमोलिश हो चुकी है, सैम्पल अपार्टमेंट डेमोलिश हो चुका है। तो यहाँ पे अब एक्सकेवेशन का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, आई थिंक विद इन नेक्स्ट 1 वीक और 15 डेज। तो ये सेल्स गैलरी डेमोलिश हो चुकी है, बट अगर आपने सैम्पल अपार्टमेंट नहीं देखा है तो उसका हमने बहुत ही सुंदर वॉक थ्रू बनाया था, बहुत ही थॉरो और प्रोफेशनली डन था, तो उसको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके साथ में जो हम अब नेक्स्ट वाइटलैंड का जो प्रोजेक्ट देखने जाएंगे विच इज वाइटलैंड ब्लिसविल, उसका भी सैंपल डेमोलिश हो चुका है क्योंकि वो भी यहीं था, तो वो सैंपल भी उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ नहीं है तो हमारे चैनल पे ज़रूर है, आपका पसीना मेहनत काफ़ी कुछ बच जाएगा, और अगर कंस्ट्रक्शन देखने की बात है तो वो हम इस वीडियो में दिखा ही रहे हैं। तो अभी हमने वाइटलैंड द एस्पन की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेज देखी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, डेट्स हैं एज पर रेरा, तो वाइटलैंड की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग डेट थी वो थी मिड ऑफ 2023, और जो उसकी कंप्लीशन डेट है एज पर रेरा वो है एंड ऑफ 2030। तो उस हिसाब से तो कंस्ट्रक्शन स्टेज जो पेस है वो काफ़ी सिंक में क्या उससे फर्दर चल रहा है, और मेरे हिसाब से 2028 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनटिल अनलेस कोई गवर्नमेंट की कोई स्पेशल रेगुलेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस डिले हो जाती हैं, इनकी नहीं सभी की। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वाइटलैंड का वादा और वाइटलैंड का इरादा दोनों ही पक्के नज़र आते हैं, और हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम पे गुड़गांव के लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स में से एक रहेगा फॉर श्योर। तो मैं नवीन तोमर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट लेके, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूलिएगा जिसमें हमने वाइटलैंड ब्लिसविल को कन्वर्ट किया है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा, सो दैट वंस वी अपलोड आवर वीडियो यू गेट टू नो इट फर्स्ट हैंड फर्स्ट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें आइडिया लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रेम्यूनरेशन है, वही हमारी मोटिवेशन है। तो कमेंट करना ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।